हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, 1 जून को चुनाव का महापर्व था। समस्त कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के इसमें इलेक्शन ड्यूटी को निभाया। कई कर्मचारियों का बार बार फ़ोन आ रहा था कि क्या सर, ये जो हमने 3-4 दिन लगाए, बीच में छुट्टी भी थी, जैसे 1 जून को पब्लिक हॉलीडे जो था वो उसको डिक्लेयर किया गया था, तो क्या ये जो कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी पे थे जैसे पोलिंग के लिए या काउंटिंग के लिए, तो क्या इनको जो वो कंपनसेटरी लीव जो स्पेशली कर्मचारियों को मिलती है, अगर कोई एक्स्ट्रा कंपनसेटरी लीव का एक प्रोविजन है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो क्या ये जो कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी पे थे और स्पेशली पोलिंग और जो काउंटिंग वाले थे, तो क्या इनको कंपनसेटरी लीव मिलेगी? तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने के लिए ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, चीफ इलेक्शन जो कमीशन है शिमला का, वहाँ के एक मैं पुराना लेटर आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। इसमें लिखा ग्रांट ऑफ कंपनसेटरी लीव क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग, मीन्स पिछली बार क्या हुआ था कि जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन कमीशन से डीसी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन मांगी थी कि क्या ये जो सर कर्मचारी हैं जो काउंटिंग और जो पोलिंग के डेट पे जा रहे हैं और उनको क्या इसके लिए स्पेशल कोई कंपनसेटरी या स्पेशल कोई कैजुअली वगैरह मिलेगी। तो ये क्लेरिफिकेशन है, इसमें बताया गया कि यहाँ पे रेफरेंस हैज बीन रिसीव फ्रॉम सम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सीकिंग क्लेरिफिकेशन वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड कॉरपोरेशन के जो इंप्लाइज हैं हु आर डिप्यूटेड इन द परफॉर्मिंग ऑफ पोलिंग एंड काउंटिंग ड्यूटी एक्सेट्रा कंडक्ट ऑफ जनरल इवन बाई इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हेल्ड साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली शुड बी ग्रांटेड कंपनसेटरी लीव इन एडिशन टू ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस एंड रेमोनरेशन। तो मीन्स इसके बारे में देखिए क्लैरिफिकेशन में बताया गया है, इट इज़ हेयर बाई क्लैरिफाई दैट इम्प्लाइज ऑफ द स्टेट ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट who are deployed for performing polling and counting duty are not entitled to any compensatory leave or a special leave as they are paid remuneration in addition to the pay and TA and DA for performing polling and counting duty and attending the training rehearsal on Sunday and other holidays। तो means इसमें इस letter में specially इन्होंने clarify कर दिया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो central government के हैं या state government के हैं, अगर वो specially counting और पोलिंग के लिए चाहे वो रिहर्सल पे गए हैं, आपको तो 3 फेजेस में रिहर्सल हुई है, या फिर वो उन्होंने मान लीजिए स्पेशल जो हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था 1 जून को, तो इसके लिए जो है उनको कर्मचारियों को कंपनसेटरी लीव नहीं मिलेगी। तो आई थिंक ये जो आपकी क्वेरी थी अब ये ख़त्म हो गई है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप नए नए जुड़े हैं तो चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इम्प्लाई से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।